तो देखो ये हमारी यमुना महारानी का दिव्य स्वरूप है, जो इस भाव के माध्यम से हम लोगों ने अपनी श्री यमुना महारानी का स्मरण तो किया ही, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में प्रवाहित हो रही श्री यमुना महारानी के स्वरूप का भी दर्शन किया। इसी बीच दिल्ली से पधारी हुई हमारी श्रीमती कैला देवी मैया, जिन्होंने 1101 रुपए की सेवा इस श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य आयोजन में भेंट की है, और एक हमारे श्री गौतम जी हैं, वो भी दिल्ली से पधारे हैं, उन्होंने भी 501 रुपए की सेवा इस आयोजन में भेंट की है। आप दोनों को श्रीमद् भागवत भगवान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। इसी तरह से भगवान के चरणों में आप सब लोग अपनी बेशकीमती कमाई के अंदर से थोड़ा थोड़ा निकाल करके सहयोग करते रहें, तो उसके माध्यम से भी जीव का कल्याण होता है। इसीलिए तो कहा गया है श्रीमद् भागवत के अंदर ही कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। माने भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह सैया पर पड़े हैं और पांडवों को उपदेश दिलाने के लिए भगवान ले गए, तो सबसे आगे युधिष्ठिर खड़े हैं उपदेश श्रवण करने के लिए, तो भीष्म पितामह के मुखारविंद से जो सबसे पहला उपदेश और सबसे पहला जो शब्द, सबसे पहला जो मंत्र निकला वो यही है, देखो बेटा युधिष्ठिर, देखो तुम सबसे बड़े लाला हो और अब तुम राजा बन गए हो, तुम्हारे पास काऊ बात की कोई कमी ना है, भगवान ने तुम्हें सब कछु प्रदान कर दियो है, लेकिन लाला हमारी एक बात ध्यान राखियो, कान खोल करके सुन ले, क्योंकि आदमी संसार में सब कुछ कर देता है लेकिन चमड़ी चली जाए, चमड़ी जाने का मतलब है कि चाहे मर जाए, चाहे कट जाए, चाहे फूक जाए, लेकिन दमड़ी नहीं जाए, जे दमड़ी बड़ी कर्री निकरते जेम्मी थे। इसलिए तो देखो कितने बड़े महापुरुष हैं भीष्म पितामह, और सबसे पहला उपदेश प्रदान कर रहे हैं श्री युधिष्ठिर जी को, और भी बहुत सारे उपदेश हैं प्रदान करने के लिए, लेकिन पितामह ने ऐसा क्यों कहा कि दान धर्मान। देखो लाला युधिष्ठिर, तुम्हारे पास काऊ बात की कोई कमी नहीं है, सब कछु तुम्हें मिल गयो है, लेकिन लाला ज्यादा धन दौलत, ज्यादा वैभव, ज्यादा साम्राज्य, ज्यादा माया जब आ जाती है तो उस माया में मोह भी जीव का इतना ज्यादा हो जाता है कि वो फिर उसे जरूरतमंदों को, कायदे में तो दान करना चाहिए, कहीं मंदिर बन रहा है तो वहाँ अपनी गाढ़ी कमाई से दान करें, कहीं कथा हो रही है तो वहाँ कुछ सहयोग दान करें, कहीं कुआं खुद रहा है, माने जो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जो सार्वजनिक कार्य हो रहा है, जो भी सत्कार्य हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से हमें अपनी ईमानदारी की गाढ़ी कमाई से निकाल करके दान करना चाहिए। तो देखो लाला युधिष्ठिर, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है, और तुम्हारे लिए हमारे पास सबसे पहला और सबसे बढ़िया उपदेश यही है कि लाला दान धर्मान।
अब तुम राजा बन गए हो, राजगद्दी पे बैठो, खूब आनंद लेओ, खूब मौज मस्ती करो, खूब आनंद से सारे संसार को चलाओ, चक्रवर्ती सम्राट बन गए हो, काऊ बात की कमी ना है। लेकिन लाला जे बात हमारी ध्यान राखियो, जहां जहां आवश्यकता हो वहां दान करना, ये तुम्हारा सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म है। तो दान धर्मा, दान धर्मान के बाद में राज धर्मान, माने राज तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन सबसे पहले आप बाहर निकल के देखो कि कोई भूखा तो नहीं बैठा। भाई राज तो हमारे पास है ही, धन के तो हमारे पास भंडार भरे पड़े हैं ही, तो पहले राज को मत देखो, पहले धन को मत देखो, पहले आप ये देखो कि कहीं वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में, किसी मार्ग में, किसी रास्ते में कोई सज्जन, कोई साधु, कोई साधक या कोई जरूरतमंद यात्री, कोई बेचारा भूखा तो नहीं बैठा है। यदि कोई भूखा बैठा है तो उसे भोजन कराने का प्रबंध, उसका प्रबंध करो। क्यों करो? क्योंकि हमें भगवान ने इस लायक बनाया है, ऐसी क्षमता, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी योग्यता हमें भगवान ने प्रदान की है। कोई नंगा बैठा है तो उसके कपड़ों का प्रबंध करो। तो दान धर्मान राज धर्मान, जलती हुई रेती में कोई नंगे पैर जा रहा है, पक्के रोड पर कोई नंगे पैर चल रहा है बेचारा, चूंकि उसकी जेब में कुछ नहीं है, मजबूरी है, पैर रख तो रहा है लेकिन पीड़ा बहुत हो रही है और छटपटा रहा है, तो हाथ जोड़ करके निवेदन करके पूछो, महाराज मैं आपके लिए खड़ाऊ सेवा, चप्पल सेवा कर दूं यदि आपकी आज्ञा हो। और यदि वो कहें कि हाँ भैया हमें कहीं से चप्पल पहना दो, तो 100 रुपए की आए, 200 रुपए की आए, चप्पल पहना दो। तो ये सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म बताया है भीष्म पितामह ने कि दान धर्मा। इसके बाद हे युधिष्ठिर राज धर्मान, दान धर्म को देखने के बाद, करने के बाद फिर तुम राज धर्म का पालन करो, राज धर्म को देखो। और राज धर्म को देखने के बाद या देखते हुए आप सत्संग के माध्यम से गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथियों की सेवा के माध्यम से मोक्ष धर्मान विभाग सह, मोक्ष की कामना लेकर के कि मैंने ये मानव शरीर धारण किया है तो मेरा परम कर्तव्य है, मेरा परम धर्म है कि मुझे मुक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए। मैंने ये मानव शरीर इसलिए धारण नहीं किया है कि खा लो पी लो और सो जाओ पाम पसार के, इसलिए ये मानव शरीर धारण नहीं किया है। यदि इसीलिए ये मानव शरीर धारण किया है तो पशु पक्षी भी खाते, जंगल में रहने वाले अनेकों प्रकार के जीव जंतु, जो कीट हैं, जो पतंगे हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, जो हिंसक हैं, जो अहिंसक हैं, सब खाते और खा करके सब इधर से उधर विचरण भी करते हैं। और फिर जब हार जाते हैं, थक जाते हैं, रात हो जाती है तो अपना सो भी जाते हैं। और इंद्रिय सुख इत्यादि भी प्राप्त करते हैं। तो विचार करो कि यदि हमें भी यही करना है, केवल खाना है, विचरण करना है, सोना है और शारीरिक इंद्रियों का सुख उपभोग करना है,
इसी तरह से हमें जीवन व्यतीत करना है तो फिर मनुष्य में और पशु पक्षी कीट पतंगे में किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। अरे हमारे अंदर और पशु पक्षियों के अंदर भेद तो तब होगा जब हम लोग भीष्म पितामह के इस उपदेश को अपने जीवन में धारण करेंगे। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। तन पवित्र सेवा किए, यदि आपको इस तन को पवित्र करना है, शरीर को पवित्र करना है, तन पवित्र सेवा किए और ये धन पवित्र कर दान और ये मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। ये तीन प्रकार का कल्याण यदि आप चाहते हो तो इस सूत्र को अपने जीवन में उतार लो, क्योंकि दान में कम कलौ युगे, कली काल में दान करना सबसे बड़ा धर्म है। तो जो लोग दान करते हैं, जिनके अंदर इतनी हिम्मत है, समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो बड़े बड़े लोगों को करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए मिल जाते हैं, बड़े बड़े वैभव बड़ी बड़ी संपत्ति मिल जाती है, लेकिन मजाल है महाराज, वह संपत्ति मीते एक रुपयू निकल जाए उन पैसे, मर जाएंगे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए, ऐसी सोच है। एक ऐसे ही सेठ जी थे, भगवान ने धन दौलत वैभव तो बहुत दिया है लेकिन दान करने के लिए दिल नहीं है, दान करने के लिए हिम्मत नहीं है, तो दान क्यों करें। लेकिन माताओं के अंदर तो स्वाभाविक रूप से भक्ति देवी विराजमान होती हैं, तो वो जो सेठानी है, सेठ जी की सेठानी कई बार सेठ जी को कह देती है, अरे महाराज रोज मंदिर जाते हो, हनुमान जी महाराज के सामने रोज जाते हो, अरे काऊ काऊ दिना तो एक आध रुपया दान करके आया करो, इतनी धन दौलत भगवान ने दी है आपको, अरे ये किस काम आएगी, देखो ना 70 वर्ष के हो गए आप, अब पता नहीं कितना जीवन है। और कोरोना काल जब से आया है तब तक तो बालक से लेकर के युवा बूढ़े जवान सबकी गारंटी खत्म हो गई है कि कौन कब चला जाए कोई पता नहीं है। पहले तो फिर भी इतना सोचते थे कि अरे अभी का मर रहा हूं मैं, अभी तो मैं 60 साल को भयू केवल, अभी तो कमते कम नहीं तो 30 साल और मुझे जीना है। तो पहले तो ऐसी सोच होती थी, लेकिन अब तो भैया 18 साल 20 साल का जवान भी घबरा रहा है कि हे भगवान रक्षा करना, ये कोरोना रूपी काल जो है मेरे जीवन में ना आ जाए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, तो यही प्रेम करने का समय है भगवान से। घर में बैठ कर के प्रेम करो, चाहे वृंदावन में आकर के प्रेम करो, लेकिन आप भगवान से प्रेम करो। तो सेठानी ने ज्यादा डांट लगाई, ज्यादा फटकार लगाई, तो सेठ जी ने भी सोचा कि चलो यार ज्यादा ही पीछे पड़ गई है जी, मानी ना रही, तो आज जो है मंदिर में हनुमान जी के सामने 1 रुपया दान कर ही देते। तो पंडित जी अपने वो सेठ जी जो है अपनी जेब में हाथ डाले और हाथ डाल करके देखा तो एक टन टनाता हुआ बढ़िया
अब पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने में तो एक रुपया भी बहुत कीमत का होता था, माने आज के लाखों रुपए उस समय का एक रुपया बराबर समझ लो। तो सेठ जी ने, अब गर्मी का समय था, ऐसे समझ लो जैसे जून जुलाई, तो सेठ जी हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं और रुपए को ऐसे मुट्ठी में दबा लिया। मुट्ठी में दबा करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस रुपए को कमाने के लिए न जाने कितने लोगों से मैंने झूठ बोला, न जाने कितने लोगों के साथ मैंने छल किया, कपट किया, दंभ किया, पाखंड किया, और अप्रत्यक्ष रूप से न जाने कितने लोगों का बिना सुई और बिना सरंज के खून चूसा, तब जा कर के ये एक रुपया मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है और आज मुझे इसे दान करना पड़ेगा। तो बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, मन नहीं मान रहा है, अरे एक बार देख तो लूं कि जितना दुख मुझे हो रहा है, थोड़ा बहुत दुख, अब ये इतने दिन से मेरे पास रह रहा है तो थोड़ा बहुत दुख तो इसे भी हो रहा होगा। तो जरा सी मुट्ठी खोल करके देखी सेठ जी ने, तो भैया अब जब ज़्यादा देर तुम रुपए इसमें बंद करके रखोगे तो स्वाभाविक है ऐसी गर्मी में मुट्ठी अंदर से पसीज ही जाएगी, पसीना तो अंदर आएगा ही। तो सेठ जी ने जैसे ही आधी मुट्ठी खोल करके देखा तो अंदर पूरा हाथ गीला हो गया और सेठ जी कहने लगे कि लाला कोई बात नहीं, तू चिंता मत करे, जिस सेठानी तो बकवास करती रहती है, जाए तो हम देख लेंगे, तू रोवे मत, तू बिल्कुल मत रोवे, अब हम तो है बिल्कुल दान नहीं करेंगे, अब हम तो है वापस लेकर के ही जाएंगे, लेकिन हनुमान जी के दर्शन तो कम से कम कर लेंगे, तू रो मत। तो देखो ऐसी भावना, ऐसा मोह हो जाता है इस धन दौलत के लिए, इस रुपए पैसे के लिए संसार में, जबकि वास्तविकता ये है कि वो रुपया कोई रो थोड़े ही रहा है, लेकिन फिर भी सेठ जी को ऐसे लग रहा है कि ये भी मुझे छोड़ना नहीं चाहता, ये भी मेरे से दूर जाना नहीं चाहता, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं। तो सेठ जी गए और हनुमान जी के दर्शन किए और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले हनुमान जी महाराज हमें माफ करियो, आप तो जानते ही हो ये छोटो सो जो लाला है ये बड़ी मुश्किल से मैंने कमायो है, और जब इसे दान करने के लिए सेठानी ने इतना प्रेशर बनाया तो हमने थोड़ी बहुत हिम्मत भी की, लेकिन अब ये यहाँ आते आते अब इतना रो रहा है, इतना रुदन कर रहा है, तो शायद ये मेरे बिना जी नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसे वापस लेकर के जा रहा हूँ। मन में तो आई कि आपके यहाँ पेटी में डाल जाऊं, लेकिन अब मेरी समझ में आ गई है कि जब ये हमारी मुट्ठी में इतना रो रहा है तो तुम्हारी पेटी में कितना रोएगा, इसलिए महाराज वापस लेके जा रहा हूँ, मोकू माफ कर दी। तो देखो यदि तुम्हारे हृदय में कभी दान करने की भावना जागृत हो तो ज्यादा देर मत लगाओ, तुरंत कर दो, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है और एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में ये मन जो है बदलता रहता है। पूज्य मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज अभी कुंभ में, श्री गुरु कार्षणी कुंभ मेला शिविर में, अपने श्री रमण रेती धाम के शिविर में कथा कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई। इस मन की दशा को लेकर के उन्होंने कहा कि ये मन इतना चंचल है कि
लेकिन मन में यदि तुम्हारे कभी सत्कर्म करने की आए, भजन करने की आए, परिक्रमा लगाने की आए, कथा में जाने की आए, सुनने की आए, दान करने की आए, माने सत्य संकल्प शुद्ध संकल्प यदि सत्कर्म करने की आए, तो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। तो ये मन जो है तुम जैसे पलक मारते हो, एक एक पलक में, एक एक पल में ये मन तुम्हारा बदलता रहता है। तो उन्होंने अपने जीवन का, अपने हृदय का, अपने मन का जो सत्य अनुभव बताया, वही हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी ने कहा कि देखो, एक बार हमें कथा करनी थी, तो हमारे एक संगीतज्ञ थे। अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं है कि वो हारमोनियम वाले थे या तबले वाले थे या बेंजो या ऑर्गन या पैड वाले थे, लेकिन संगीतज्ञ थे। तो उन संगीतज्ञों के लिए जब हमने उनसे पूछा कि भाई हमें इतने दिन कथा करनी, तो क्या सेवा रहेगी आपकी, क्या सेवा लोग, तो संगीतज्ञों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया। बोले महाराज जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, क्यों ऐसा पूछ रहे हो। महाराज जी, आपके चरणों में बैठ करके ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप जो भी हमें प्रदान करेंगे, हम अपनी मुट्ठी बांध करके रख लेंगे। महाराज जी, उसे खोलेंगे भी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति आएगी तब जाके भले खोलें, हम तो देखेंगे भी नहीं कि आपने हमें क्या दिया है। बस आप हमें सेवा का अवसर दें, क्योंकि भगवान की कथा में 3 घंटे 4 घंटे निकल जाएं हमारे लिए यही, और वो भी आप जैसे महापुरुष के सानिध्य में। कौन सा संगीत वाला नहीं होगा या होगा जो पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी के साथ आनंद लेना नहीं चाहेगा। तो पूज्य श्री ने बताया कि हमने अपने मन में संकल्प कर लिया कि चलो भाई, जब ऐसी बात है तो कोरोना काल की घटना है, अभी जो पिछला सबसे पहले जो लॉकडाउन लगा था, जब बिल्कुल 2-3 महीने के लिए एकदम बांध दिए गए थे कि कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा, चारों तरफ पुलिस वाले और सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ऐसे काल में ऐसे ही लाइव प्रसारण करना था, तो महाराज जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि हम जो है इतना देंगे। लेकिन अब जब कथा शुरू हुई और कथा पूरी हो गई, तो महाराज जी ने अपने मन का संकल्प बताया कि हमने अपने मन में जो सोचा, अब कथा पूरी होने के बाद हमारे मन में फिर से संकल्प विकल्प हुआ, और हमारे मन में ऐसा आया कि क्योंकि हमारे किसी ने कान भर दिए, हमसे कह दिया कि अरे गुरुजी, इतने दे करके क्या करोगे, कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल में तो लोग जो है साधारण काल के अपेक्षा आधे भी नहीं दे रहे, और इतने संगीतज्ञ घूम रहे, महाराज आप जितने कहोगे उतने आ जाएंगे, आप इतना देने की न सोचें। लेकिन अब पूज्य राजेंद्र दास जी ने सोचा कि भाई, हमारे मन में तो ऐसा संकल्प हुआ, लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं तो इस पे विचार कर लेते हैं। तो उन्होंने विचार किया, तो फिर पूज्य श्री का भी थोड़ी देर के लिए मन बदल गया। उन्होंने खुद बताइए कि चलो
कोई बात नहीं, दो दो कम कर देते भाई, कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे उनके मन में आया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद, एक दो घंटे बाद, उन्होंने विचार किया कि भाई उस समय जब हमने संकल्प किया था तो भी यही मन था, और आज हमारे मन में ये जो थोड़ा कम कम करके और दूसरे की सुन करके हमारे मन की जो सोच है, जो भावना है, वो बदली है, ये भी हमारा ही मन है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आखिर में फिर उन्होंने विचार किया कि नहीं, अरे ये ब्राह्मण बालक हैं, ये ब्राह्मण संगीतज्ञ हैं, अगर मान लो परिस्थिति भले ही विकट है, 1,000-2,000 ज्यादा भी चले जाएं किसी के पास, तो कौन सा फर्क पड़ता है, क्योंकि रुपए का तो स्वभाव है इधर से आया और इधर गया, और फिर सबके सहयोग से सब कुछ आगे की तरफ संसार में बढ़ता है। तो पूज्य श्री ने फिर से वही संकल्प किया कि बोले नहीं, हमारे मन में उस समय जो सत्य संकल्प हुआ था, भले ही हमारा मन अब बदल गया है, कई बार होता है कि नहीं, कई बार हमारी श्रद्धा किसी में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और दो चार महीने में कई बार वो श्रद्धा हमारी जो सातवें आसमान में चढ़ी हुई थी वो नीचे उतर करके तलवे में आ जाती है, और फिर जहाँ हम अपना सर्वस्व दान कर रहे थे वहाँ राम राम करने में भी हमें शर्म महसूस होने लगती है। तो ये मन जो है बदलता रहता है, इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि हमारे हृदय में जब सत्य संकल्प, जब शुद्ध संकल्प माने सत्कर्म करने की जब हमारे मन में आ जाए, उसी समय हमें कर देना चाहिए। तो जो लोग ऐसे आयोजनों में सेवा सहयोग करते हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी दया है, क्योंकि ऐसा करने के लिए भी बड़ा विशाल हृदय चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए। और ऐसा केवल श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही संभव है, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है, समझ लो उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। जब गुरुजी जीवन में आ जाते हैं और गुरुजी की कृपा हमारे जीवन में हमारे ऊपर हो जाती है, तो फिर गुरुजी की कृपा से ही ऐसे आयोजनों में, ऐसे सत्कर्मों में हम लोग सेवा सहयोग करते हैं, अन्यथा इतना आसान ये कार्य नहीं है। तो आइए एक भाव के माध्यम से, चूंकि आज तो हमें भगवान को केवल प्रणाम ही करना है और आज ये शुभारंभ का दिवस है, तो आज समझ लो कि अगले आने वाले 15 दिनों की हम लोग भूमिका बना रहे हैं, और फिर इस रस का आनंद अगले 15 दिन तक लगातार हम लोग घर बैठे लेते रहेंगे। तो श्री गुरुदेव भगवान को हम लोग उनको याद कर लें, उनका स्मरण कर लें, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। तो श्री गुरुदेव भगवान का दूसरे स्वर में हम लोग वंदन करेंगे। हमारे श्री गुरुदेव
किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता चरण में रख दिया जब माथा में किस बात की चिंता चरण में रख दिया जब माथा में किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता श्री गुरुदेव भगवान की गाइए खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने मरने की न जीने की मेरे तो गुरु को रहती है मेरी हर बात की चिंता मेरे तो गुरु को रहती है मेरी हर बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता
बातों में चिंता किया करते हो तुम दिन रात में, किस बात की चिंता किया करते हो क्यों दिन रात में, किस बात की चिंता किया करते हो, किस बात किया करते हो तुम चिंता रहे हर श्वास में भगवन तेरे, बस नाम की चिंता रहे हर श्वास में भगवन तेरे, बस नाम की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। ताली सेवा करते हुए के हाथों रहती है हमें किस बात की चिंता, उनके हाथ में जब हाथ हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव, किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चिंता करते हो क्यों दिन रात
मन में किस बात की चिंता किया करते हो दिन रात में किस बात की चिंता किया करते हो क्यों दिन रात में किस बात की चिंता रहे हर श्वास में भगवन रहे हर श्वास में भगवन तेरे बस नाम की चिंता रहे हर श्वास में भगवन तेरे बस नाम की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव किस बात की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता चरण में रख दिया जब माथा में किस बात की चिंता चरण में रख दिया जब हमें किस बात की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे तो देखो श्री गुरुदेव भगवान की जब कृपा हमारे जीवन में आ जाती है तो ही इस प्रकार के जो सत्कर्म है हम लोग कर पाते हैं गुरुदेव की कृपा के बिना संभव ही नहीं है कि हम दान कर पाएं सेवा कर पाएं धर्म कर पाएं किसी प्रकार का जप तप नियम संयम अनुष्ठान इत्यादि कर पाएं क्योंकि गुरुदेव भगवान जब अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं गुरुदेव भगवान जब शक्ति प्रदान करते हैं तभी ऐसा कार्य हमारे जीवन में होता है आज एकादशी महारानी है एकादशी महारानी के बारे में ज़्यादातर जो भगवान से जुड़े हुए वैष्णव लोग हैं वो सब तो जानते ही हैं कि वैष्णवों के लिए एकादशी महारानी एक बहुत बड़ा धन है एकादशी का यदि वेदांत की दृष्टि से सीधा सीधा तात्पर्य हम लोग देखने का प्रयास करें तो एकादशी एकादशह माने ग्यारह तो ये ग्यारह क्या है और गांवों में हमारी ब्रज की मैया बोलती भी हैं
अरे बहना कल इक्कासी है का, इक्कासी माने एक और दस मिला के कितने हुए, ग्यारह है, तो एक और दसी इक्कासी, माने ब्रजभाषा में इक्कासी कह देती है, और संस्कृत में और हिंदी में हम लोग एकादशी बोलते हैं। लेकिन एकादशी का जब हम लोग तात्पर्य समझने का प्रयास करें तो तात्पर्य है एकादश माने ग्यारह, ग्यारस भी बोलते हैं ब्रज में ग्यारस, तो ग्यारस एकादशी क्या है? तो वेदांती लोग कहते हैं कि देखो हमारे शरीर में आप संपूर्ण ब्रह्मांड को यदि घटाना चाहें देखना चाहें तो आपको कहीं बाहर शिक्षा लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि इतनी बुद्धि इतना विवेक है तो हर वस्तु को आप अपने शरीर से, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर से घटा करके देखते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है ये आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि शिवोहम, ये सब क्या है? माने सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसी दृष्टि देखने वाली यदि हमारी है तो सारी दुनिया आपको अपने अंदर ही दिखाई देने लगेगी। तो आज एकादशी है तो वेदांतियों की दृष्टि से एकादशी का महत्व हम लोग समझने का प्रयास करें। वैसे आजकल ज्यादातर जितनी भी तिथियां आ रही हैं वो सब डबल आ रही हैं, डबल, और सबको डबल चाहिए भाई। एक से तो, एक रुपया से तो किसी की संतुष्टि है ही नहीं, एक नोट से तो किसी की संतुष्टि है ही नहीं, एक आइटम से, एक वस्तु से, एक पदार्थ से, एक मोबाइल से, एक पत्नी से और एक गाड़ी से, एक घर मकान से किसी की संतुष्टि है ही नहीं, सबको डबल चाहिए। तो आजकल बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि ज्यादातर तिथियां जो है डबल आ रही हैं, और खास करके एकादशी तो हर बार डबल आ रही है। तो ये डबल का भी तात्पर्य है, डबल क्यों आ रही है? संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, देखो, एक तो होती है वैष्णव एकादशी जो आज हम लोग मना रहे हैं, जिसे हम सभी वैष्णव जन माने भगवान श्री हरि के जन, भगवान श्री कृष्ण के जन, भोले बाबा के जन, भगवान के जो विशेष अनुयायी हैं, जो भक्तजन हैं, तो वो जो एकादशी को मानते हैं उसे कहते हैं वैष्णव एकादशी, और वही वास्तव में मुख्य एकादशी है, पूर्ण फल पूर्ण पुण्य प्रदान करने वाली। और बाकी जो दूसरी एकादशी है, कई माता बहन भाई बंधुओं ने कल भी एकादशी मनाई है, वो स्मार्त एकादशी है, माने सूर्य अस्त हो गया और सूर्य अस्त होने के बाद जब तिथि लग जाती है तो बहुत लोग माने घर गृहस्थ वाले जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो थोड़े से अल्पज्ञ हैं, भगवान को तो मानते हैं लेकिन विशेष रूप से भक्ति का, पूजा का, पाठ का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो उसी एकादशी को मान लेते हैं जो सूर्यास्त के बाद, माने सूर्य उदय होने से पहले जो तिथि बदल गई है, जो तिथि लग गई है। जैसे अभी समझ लो कि आज दशमी है और दशमी को सूर्यास्त हो गया, अब रात्रि है, और रात्रि में मान लो 3 बजे तिथि बदल गई, दशमी समाप्त हो गई और एकादशी लग गई, तो चूंकि रात्रि में 3 बजे या 12 बजे या 1 बजे तिथि बदली है
लेकिन उस समय हमारे भारतवर्ष के हिसाब से हमारे यहाँ सूर्य का उदय नहीं हुआ है। तो सूर्य का उदय नहीं हुआ है, इसलिए उस एकादशी को महापुरुषों ने, विद्वानों ने, हमारे सनातन वैदिक धर्म की रचना करने वाले ऋषि मुनियों ने स्मार्त तिथि के नाम से तो माना है कि भाई तिथली तिथि बदली है तो एकादशी तो है, लेकिन विशेष लाभ प्रदान करने वाली तिथि वही होती है जो सूर्य उदय होने के बाद मनाई जाए या सूर्य उदय होने के बाद लगे। जैसे कोई पर्व है, अमावस्या है, मकर संक्रांति है, कुंभ का स्नान है, कोई भी विशेष पर्व है, तो ऐसे पर्व पर आप हमेशा याद रखें कि कई लोग धोता है 4 बजे ही चले जाएंगे, 3 बजे ही चले जाएंगे, अरे आज मकर संक्रांति है जल्दी नहाया, दिन निकल आयो तो बड़ी भीड़ भाड़ है जाएगी, फिर तो नहावे धोएवे में बड़ी दिक्कत है जाएगी, 4 बजे ही गोता मारो। तो देखो जो 4 बजे गोता मार आते गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू में, कावेरी में, नर्मदा जी में, उन्हें जो असली स्नान का लाभ मिलना चाहिए, जो पुण्य मिलना चाहिए, वो उस दिन नहीं मिलता है। अन्य साधारण दिनों में आप 4 बजे नहा सकते हैं, 5 बजे नहा सकते हैं, 6 बजे नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन विशेष तिथि है उस दिन आप उस तिथि को सूर्य उदय होने के बाद मनाएं तो वही वास्तव में आपको पूर्ण लाभ प्रदान करने वाली तिथि मानी जाती है। तो एकादशी तो कल भी थी, हजारों लाखों लोगों ने कल भी मनाई, लेकिन कल जो एकादशी थी वो चूंकि सूर्यास्त के बाद लगी, सूर्य उदय होने से पहले लगी, इसलिए उसे स्मार्त एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो विशेष भगवान के वैष्णव जन हैं उनके लिए, हम सभी के लिए आज एकादशी है। गुरुमुखी जो जन हैं उनके लिए आज एकादशी है। तो आज एकादशी से ही हम लोगों ने ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत कथा के रस का वर्षण आज से इसलिए आरंभ किया है। और अगली निर्जला एकादशी 21 जून तक इसी प्रकार से ये निरंतर प्रवाहित होता रहेगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी का मतलब है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 हमारे शरीर में कर्मेंद्रिय हैं, और इन 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों का राजा माने सबसे बड़ा जो इनका संचालन करता है वो एक है, हमारा मन। तो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय कितने हो गए? 10। और 1 मन कितने हो गए? 11। तो वेदांती लोग, विद्वान लोग, महापुरुष कहते हैं कि भैया जिस दिन आप एकादशी मना रहे हैं उस दिन 24 घंटे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और अपना 1 मन, इन 11ों का पूरी तरह से निग्रह करके, इनके ऊपर पूरी तरह से काबू कंट्रोल करके फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करें, सेवा करें, सुमिरन करें, भगवान की कथा सुनें, दान करें, धर्म करें, और भी जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के उत्थान के लिए जो जो सत्कर्म बताए हैं वो सभी सत्कर्म जो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं ऐसा करें। लेकिन
संकल्प कर लें कि आज एकादशी है और अगले 24 घंटे तक हम एकादशी मना रहे हैं। अल्पाहार लेकर के, अल्पाहार क्या है, केला खाओ, आम खाओ, सेब खाओ, जूस पियो, काजू बादाम किशमिश छुआरे मुनक्का नेकाद ड्राई फ्रूट खा करके दूध पी लो तो वैसे ही भूख नहीं लगेगी। रोटी खाए हुई जरूरत का है, ये दाल रोटी और चावल सब्जी, अब ये सब तो रोज हम लोग खाते ही हैं। अरे 15 दिन बाद जब एकादशी मनाएं तो थोड़ा अल्पाहार करें। अल्पाहार करने के माध्यम से हमारे शरीर में वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 15 दिन हम जो उल्टा सीधा भक्ष्य अभक्ष्य भोजन करते हैं, जैसे कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है लेकिन फिर भी बिना सोचे बिना जाने बिना समझे मन करता है अरे यार खा लो तो खा लेते, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर जा कर के हमें नुकसान करती है। तो जिस दिन हम अल्पाहार करते हैं उस अल्पाहार के माध्यम से हमारी जठराग्नि उन वस्तुओं के होने वाले कुप्रभाव को समाप्त कर देती है और हमारा शरीर फिर से 15 दिन के लिए ऊर्जावान होता है। आपने देखा ही होगा, महसूस किया होगा कि जब तक हम भोजन नहीं करते हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, दौड़ते भी हैं चलते भी हैं कार्य भी करते, लेकिन जैसे ही दोपहर का प्रसाद पा लिया जैसे ही दोपहर का भोजन कर लिया बस बाके बाद तो फिर कम से कम एक आध घंटा जब तक हमारे पाम सूदे नहीं है जाए जब तक हमें चैन कहाँ आता है। तो भोजन करने के बाद हमारी क्या स्थिति होती है और भोजन से पहले कितनी एनर्जी कितनी ऊर्जा हमारे अंदर होती है हम लोग महसूस करते हैं। तो ये जो एकादशी है इस एकादशी को आप वेदांतियों की दृष्टि से अपने जीवन में मनाने का प्रयास करें हर 15 दिन बाद। लेकिन याद रखें कि जब भी दो एकादशी का कन्फ्यूजन हो तो जो पहले वाली एकादशी लोग बता रहे हैं कि आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी है, तो पहले वाली जो एकादशी है उस एकादशी को आप मत मनाओ, अगली जो कल एकादशी आ रही है वह एकादशी को आप मनाओ, उसी का नाम है वैष्णव एकादशी। तो एकादशी महारानी की कृपा से एकादशी महारानी को मनाते हुए हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यहाँ बैठ कर के भी, और जो यहाँ शरीर से नहीं बैठे हैं वो अपने घर में बैठ कर के इस विज्ञान के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे हैं, इसी तरह से लेते रहें, यही जीवन का वास्तव में सार है। कई बार आपने सोचा है संसार में हम लोग सोचते हैं कि मैं बढ़िया बढ़िया खा रहा हूं तो मैं इसका उपभोग कर रहा हूं, मैं इसे भोग रहा हूं, मैं बढ़िया 50,000 के डबल बेड पर सो रहा हूं तो मैं इस सुख का उपभोग कर रहा हूं, मैं बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में सुख का उपभोग कर रहा हूँ, मैं बढ़िया गाड़ी में चल रहा हूँ तो मैं इस सुख का उपभोग कर रहा हूँ। लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि भैया भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।
हमने कभी सोचा है कि जिन विषयों को भोगते हुए, जिन पदार्थों को भोगते हुए, जिन वस्तुओं को, जिन सुखों को भोगते हुए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इन्हें भोग रहा हूँ, तो ये वास्तविकता नहीं है। हम संसार को नहीं भोग रहे, हम संसार के विषय विकारों को, वस्तुओं को, पदार्थों को नहीं भोग रहे। वास्तविकता तो ये है कि विषयों ने ही हमें भोग लिया है, और विषयों को भोगते भोगते हमारी जो उम्र है, हमारी जो आयु है, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन संसार में जो विषय हैं, संसार में जो वस्तु हैं, उन्हें आज तक न कोई भोग पाया है और ना ही आगे भविष्य में कभी भोग पाएगा। तो इस गलत फहमी से आप दूर हो जाना कि इस सुख को मैं भोग रहा हूँ। वास्तव में आप संसार को नहीं भोग रहे, संसार आपको भोग रहा है, और आपका भोगते भोगते प्राणांत हो जाता है, देहांत हो जाता है, लेकिन संसार से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए भगवान की कथा से और भगवान से प्रेम करो। प्रेम ही वास्तव में मानव के जीवन का सार है। एक बार भगवान के गले में पड़े हुए हार के फूलों से, चरणों में बिखरे हुए पड़े फूलों ने पूछा, क्या पूछा? बोले, बड़े भैया फूल, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अरे तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, तुमने ऐसा कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके माध्यम से आप भगवान के गले में शोभायमान हो रहे हो, इतना सौभाग्य तुम्हें मिला है। और सत्कर्म तो हमने भी किया है कि भगवान के चरणों में पड़े हैं, लेकिन फिर भी भगवान के गले तक पहुंचने के लिए आखिरकार आपने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है? भैया जब आते आप हमें भी बता दो, यदि हमें मौका मिलेगा तो हम भी वह सत्कर्म को करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, प्रभु के गले में उस हार में पड़े हुए उन फूलों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, भैया देखो, बात कछु ऐसी है, भगवान के गले में हार में जब हमको पिरोया गया तो हमारे अंदर इतनी लंबी लंबी और इतनी मोटी मोटी सुई आर पार की गई। तो सोचो कि इतनी लंबी सुई और सबसे ज्यादा मोटी सुई, डोरा सीने वाली सुई, ऐसे आर पार निकाली जाएगी और फिर ऐसे ऐसे एक एक फूल को पिरोया जाएगा। अब तुम्हारे अंदर ही मान लो कोई भाला बल्लम ऐसे आर पार निकाल दे तो कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, कितनी वेदना होगी, कितना कष्ट होगा। तो भगवान के गले में पड़े हुए फूलों ने निवेदन किया कि भैया उस सुई से होने वाले कष्ट को, दुख को, दर्द को, पीड़ा को हमने सहन किया है, बर्दाश्त किया, और न जाने कितनी देर, कितने समय तक बर्दाश्त किया है, तब जा करके हमें भगवान के गले में शोभायमान होने का, भगवान के गले में पहुंचने का ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो संसार में यदि कोई कुछ बनता है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई उड़के बन जाता है, उसके बनने के पीछे उसका बहुत बड़ा
पुरुषार्थ होता है, उसने बहुत मेहनत करी होती है, बहुत सेवा करी होती है और बड़े बड़े दुख दर्द क्लेश संकट इत्यादि सहे होते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति इतनी सहज नहीं है कि कोई भी चले आया और भगवान की प्राप्ति हो गई। अरे भगवान की प्राप्ति ही तो संसार में सबसे ज़्यादा कठिन चीज है। संसार में तो सब कुछ सरल है, लेकिन भगवान की प्राप्ति सबसे ज़्यादा कठिन है। इसलिए भगवान की प्राप्ति यदि किसी को हुई है, भगवान की कथा की प्राप्ति यदि किसी को हुई है, तो उसने बहुत सेवा की है, सुमिरन किया है, बहुत मेहनत किया है, उसी का ये नतीजा है, उसी का ये फल है कि उसे ऐसा लाभ मिला है। और खास करके देखें तो जब भी ऐसा लाभ मिलता है, उसके पीछे बरसाने में बैठी हुई हमारी किशोरी श्री लाडली जू का विशेष हाथ होता है, क्योंकि लाडली जू की कृपा जब जीव के ऊपर हो जाती है तो फिर भगवान गोविंद के मिलने में और श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमारी लाडली जू बड़ी दया की मूर्ति हैं, बड़ी कृपा की मूर्ति हैं। और एक बार जिस जीव के ऊपर कृपा कर दें तो समझ लो कि भगवान की प्राप्ति उस जीव को होने से कोई संसार में रोक नहीं सकता। तो आइए एक भाव के माध्यम से हम अपनी किशोरी बरसाने वाली राधिका रानी को मनाने का प्रयास करें और उनके चरणों में निवेदन करें कि बना लो मुझे श्री राधे चरण कमल की धूल। क्योंकि यदि किशोरी जू ने हमें अपने चरणों की धूली भी बना लिया तो भी हमें नंद के लाला की प्राप्ति हो जाए। बना लो मुझे श्री राधे चरण कमल की धूल, बना लो मुझे श्री राधे चरण कमल की धूल, बना लो मुझे श्री राधे चरण कमल की धूल, बना लो मुझे श्री राधे चरण कमल की धूल, बना लो मुझे श्री राधे। चरण कमल की धूल हो श्यामा, 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 चरण कमल की धूल, बना लो मुझे श्री राधे चरण कमल की धूल, बना लो मुझे श्री राधे नूपुर बन जाऊं श्री रण सुख पाऊं, पायल रज नूपुर बन जाऊं श्री चरणन सुख पाऊं,
रज नूपुर बन जाओ श्री चरणन सुख पाओ प्रीतम संग विहार करूं तब अपनो भाग्य बनाओ 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 कोई बनना चाहे सखीरी कोई सहचरी दासी तली मोर लता सब ही है तेरी अभिलाषी हाँ कोई तितली मोर लता सब ही है तेरी अभिलाषी बना लो तुम श्रृंगार किसी को बना लो तुम श्रृंगार किसी को बना लो तुम श्रृंगार किसी को बना लो तुम या श्रृंगार का फूल बना लो मुझे श्री राधे चरण कमल की फूल बना लो मुझे श्री राधे चरण कमल की फूल बना लो मुझे श्री राधे चरण कमल की फूल बना लो मुझे श्री राधे चरण कमल की फूल संग में श्री चरणन की धूल बनूं तो
सदा रहूं तेरे संग में। श्री चरणन की धूल बनूं तो सदा रहूं तेरे संग में। और श्री चरणन की धूल बनूं तो सदा रहूं तेरे संग में। कोमल चरण लिपट कर झूलूं तेरे साथ सवेरे। कोमल चरण लिपट कर झूलूं तेरे साथ सवेरे। कोमल चरण लिपट कर झूलूं तेरे साथ सवेरे। और कोमल चरण लिपट कर झूलूं तेरे साथ सवेरे। बहुत जन्म से भटक रही हूँ, बहुत जन्म से भटक रही हूँ, बहुत जन्म से भटक रही हूँ, बहुत जन्म से भटक रही हूँ। कर दो मेरी धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की। बोलिए बरसाने वारी की जय। बोलिए बरसाने वारी की जय, जय श्री राधे। तो देखो बना लो मुझे श्री राधे, चरण कमल की धूल। किशोरी राधिका रानी से यदि आप ऐसी प्रार्थना करोगे कि हे किशोरी राधिका रानी, हे बरसाने में बैठी हुई लाडली जू, यदि आपकी कृपा इस दास पर हो जाए तो बांके बिहारी, रमण बिहारी, रास बिहारी, कुंज बिहारी, छैल बिहारी फिर मेरे जीवन से दूर नहीं है। और जब भगवान ही दूर नहीं है तो भगवान की कथा कैसे दूर हो सकती है। तो नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर इसी उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में भगवान गोविंद की, श्याम सुंदर की श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, जहां पर अहर्निश भगवान गोविंद की कथा होती रहती है। क्योंकि हमने कथा के प्रारंभ में ही कह दिया था कि
भगवान की कथा ही वास्तव में कथा है, बाकी तो संसार में सब कुछ व्यथा है। इसलिए ऋषि मुनि जानते हैं कि भगवान की कथा से ही मानव मात्र का कल्याण होना है। इसलिए निरंतर नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर कथा हो रही है, और केवल श्रीमद् भागवत की कथा नहीं हो रही, शिव महापुराण की भी कथा वहीं हो रही है, देवी भागवत की भी कथा वहीं हो रही है, श्री रामचरितमानस की भी कथा वहीं हो रही है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा भी वहीं हो रही है, और भी जितनी कथाएं हैं सभी ग्रंथों की, चारों वेदों की, छह शास्त्रों की और 18 पुराणों की और अन्य धार्मिक ग्रंथों की जितनी भी कथा है जीव का कल्याण करने के लिए, उन सभी कथाओं के मुख्य वक्ता तो हमारे भोले बाबा हैं। और भोले बाबा के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वो हैं हमारे श्री सूत जी महाराज, जिनके ऊपर महर्षि वेद व्यास जी ने बड़ी अद्भुत कृपा करी कि श्री सूत जी महाराज को नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में बीच में बैठ करके भगवान की कथाओं का आनंद देने का और आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये नैमिषारण्य नैमिषारण्य यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य है। हम भी कई बार दर्शन के लिए गए हैं, बड़ा पवित्र स्थान है, और आज भी वहाँ जा कर के ऐसा लगता है जैसे सतयुग में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं होता जहाँ भगवान की कथा होती है। भाई अभी सतयुग है, अभी त्रेता है, अभी द्वापर है और अभी कलयुग है, ये काल का प्रभाव तो केवल वहाँ प्रतीत होता है जहाँ भगवान की कथा नहीं है। जहाँ भगवान की कथा है वहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं, वहाँ तो सम रूप से माने एक ही रूप से समझ लो कि सदा सर्वदा सतयुग ही विद्यमान है। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि विद्यमान हैं, संसार के कल्याण के लिए आपस में विचार कर रहे हैं कि संसार के जीवों का कल्याण कैसे हो। तो देखो संसार के जीवों के कल्याण का विचार कोई महापुरुष ही कर सकता है, बाकी अड़ोसी पड़ोसी हम एक दूसरे के उत्थान का कल्याण का विचार प्रयास कहाँ करते हैं। कोई अपने प्रयास से आगे जाने का प्रयास कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, पुरुषार्थ कर रहा हो, और यदि हमें पता लग जाए तो उसे माने जहां से उसने प्रारंभ किया है आगे चलना, वहां से भी टांग पकड़ करके और दो हाथ पीछे खींच देते हैं कि बोले बेटा जाए कहां रहो, यहां आ जा, अरे हमू जा गड्ढे में परे भाई, तू कहां जा रहा। 20 साल हो गए, 30 साल हो गए हमको यहां पड़े पड़े, और तू कल परसों आया, चार दिना भय नहीं और इतनी स्पीड में आगे भाग रहा है। हम जा मारुति 800 को पिछले 10 साल से चला रहे हैं और 10 साल पुरानी हमें मिली, और तू कल परसों आया हमारी बगल में बढ़िया 20 लाख की कोठी बनाई और 30 लाख की गाड़ी ले आया। अच्छा बेटा तुए देखेंगे, कोई बात नहीं, हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, जब हम कछु नहीं कर पाए और तू जो है साल भर पहले ही आया और तूने इतनी तरक्की कर ली,
इतना आगे चला गया, कोई बात नहीं, जरा सा मौका आने दे, फिर देखेंगे तुझे। तो ये हम लोगों की दशा है, माने हम एक दूसरे के कल्याण की कामना नहीं करते, एक दूसरे के कल्याण का विचार नहीं करते। कोई अपनी मेहनत अपने पुरुषार्थ से यदि आगे जा रहा है, कल्याण की तरफ जा रहा है, उन्नति की तरफ जा रहा है, तो उसे जहां से उसने स्टार्ट किया वहां से भी पीछे टांग पकड़ के खींच के रख देते हैं। ये संसार की विडंबना है। और इन्हीं चीजों को तो हमें कथा के माध्यम से आगे आने वाले दिनों में समझना है। मेरी एक आंख फूटे तो अभाल फूट जाए, लेकिन जाकी दोनों फूटनी चाहिए। मेरी एक टांग टूटे तो अभाल टूट जाए, लेकिन जाकी दोनों टांग टूटनी चाहिए। मेरे 1,00,000 रुपए खर्च हो तो अभाल है जाए, 2,00,000 है जाए, लेकिन जाके कम से कम 20,00,000 रुपया खर्च होने चाहिए। बस इसी सोच में, इसी भावना में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच, एक दूसरे को खींचने की सोच, ऐसी विचार, इसी में हम लोग अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। जबकि ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, किसी संत की, किसी महापुरुष की ऐसी सोच नहीं होती। जो भगवान का भक्त है, जो साधक है, उसकी ऐसी सोच कदापि नहीं हो सकती। और यदि ऐसी सोच है तो वो संत नहीं है, वो साधक नहीं है, वो भगवान का भक्त कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि ऐसी सोच उसकी नहीं होती। यदि ऐसी सोच नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषि मुनियों की होती तो ऋषि मुनियों का कल्याण तो हो चुका है। अरे ऋषि मुनियों को अपने कल्याण की कामना नहीं है, अपने कल्याण की फिक्र नहीं है, माला जपने के माध्यम से, योग के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से उनका अपना कल्याण तो हो चुका है। लेकिन जब ध्यानस्थ होकर के देखते हैं कि भैया जिस संसार वाले धोताएं उठते हैं 8 बजे 9 बजे और नहा धो करके नाश्ता किया और चल देते हैं दुकान पे, मजदूरी वाला मजदूरी करने चला गया, दुकान वाला दुकान पे, ऑफिस वाला ऑफिस में चला गया और बिजनेस करने वाला बिजनेस करने चला गया, अब रात्रि को शाम को वापस आते हैं, आकर के खाना खाते, खाना खा करके टीवी देखते, 2-4 मिनट बच्चों से मिले, पत्नी से मिले, और उसके बाद फिर सो जाते हैं बेचारे, हारे थके तो आते ही। तो इसी तरह से संसार वालों का जीवन व्यतीत हो रहा है। और जब ऐसी दशा संसार वालों की, संसार की देखी, तो उन संतों के हृदय में पीड़ा हुई, उन संतों के हृदय में ऐसी भावना जागृत हुई कि इन संसार वालों का, इन संसार के जीवों का कल्याण होना चाहिए। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए, कोई ऐसा विचार विमर्श करना चाहिए, कोई ऐसा आयोजन, कोई ऐसी सभा बुलानी चाहिए जिस सभा में विचार मंथन हो सके, जिसके माध्यम से संसार का कल्याण हो सके। तो ऐसी भावना तो संतों के हृदय में ही हो सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसी भावना तो संत महापुरुषों के हृदय में ही होती है, सारे विश्व का कल्याण हो।
सारे विश्व में सब जीव निरोगी काया को प्राप्त हों, सारे जीव दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करें, उन्नति की ओर अग्रसर हों। ये जो कोरोना नाम की महामारी चल रही है, इसके नाश के लिए न जाने कितने संत महापुरुषों ने भगवान से प्रार्थना करी, और ये आयोजन भी इस कोरोना महामारी के नाश के लिए भगवान से प्रार्थना के रूप में किया जा रहा है, जिसमें आप सभी का सहयोग है। क्योंकि सहयोग के माध्यम से ही, एक एक कड़ी से ही साइकिल की या मोटरसाइकिल की चेन बनती है, जिसके माध्यम से साइकिल चलती है। भाई अकेला संसार में कोई कुछ नहीं करता, अकेला तो कोई केवल अपना कल्याण कर सकता है, वो महापुरुष नहीं कहलाता। अपने अकेले का पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान वही है जो 10 को खिला करके अपना पेट भरे, वही वास्तव में इंसान है। जो 1,000, 1,00,000, 1,00,00,000 के कल्याण की कामना करे, वही संत है, वही महापुरुष है। अरे कमरे में बैठ करके, जंगल में बैठ करके, गुफा में बैठ करके अपना कल्याण तो कोई भी कर सकता है। तो नैमी सारण्य में जो 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, उनका कल्याण तो हो चुका है, लेकिन अपने कल्याण की कामना नहीं है, संसार के जीवों के कल्याण की कामना है। इसीलिए उनकी ये कथा ऐसी अमर हो गई कि सारे संसार में प्रारंभ ही यहीं से हो रहा है हर कथा का, कि नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए विचार कर रहे हैं, इतनी देर में एक 21 वर्षीय युवा संत का आगमन हो जाता है, और उन युवा संत को देख करके सभी 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो जाते, उनका स्वागत सत्कार वंदन अभिनंदन करते, क्योंकि सूर्य के समान उन युवा संत का तेज मस्तिष्क से छलक रहा है, झलक रहा है, उनका चेहरा बता रहा है कि उनके अंदर भगवत रूपी पावर प्लांट लगा हुआ है, जिस पावर के माध्यम से सारे संसार को प्रकाशित किया जा सकता है। तो ऋषि मुनियों में जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे वयोवृद्ध या सबसे बड़े जो ऋषि हैं, उनका नाम है शौनक। तो जैसे कि किसी सभा में कोई सबसे बड़ा अनुभवी बुजुर्ग हो, तो सब लोग यही कहते हैं कि अरे रामलाल जी आप बड़े हैं, आप सवाल करो, आप पूछो, हम आपके पीछे खड़े, आपकी राजी में ही हमारी राजी है, आप जो पूछेंगे वो सब लोगों के हित की कामना से ही पूछेंगे, इसलिए आप ही महाराज निवेदन करो, हम सब आपके साथ हैं। तो शौनक हैं आदि में जिनके ऐसे शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि। तो शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज का वंदन अभिनंदन करके इस तरह से व्यास गादी पर विराजमान कर दिया, और व्यास गादी पर विराजमान करके शौनक आदि ने संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामनार्थ अनेकों प्रकार के श्री सूत जी महाराज से प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने भगवान की परम पावन ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने से पूर्व श्री सूत जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया।
तो आइए हम भी भगवान गोविंद को, चूंकि आज हमें प्रणाम ही करना है तो प्रणाम कर लें, और फिर कीर्तन के साथ आज हम लोग आज की कथा को विश्राम करेंगे। और कल ठीक 3 बजे से 6 बजे तक का ये जो समय बंधा है, नित्य अगली निर्जला भीमसेनी एकादशी तक हम लोग श्रवण करते रहेंगे घर बैठे। और कोई अगर आना चाहे तो आने की भी ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए, कोरोना की मर्यादाओं का पालन करते हुए यदि आप आ सकें तो यहाँ आकर के भी कथा सुन सकते हैं। और नहीं, सबसे बढ़िया उपाय तो आप अपने घर बैठे सुने। तो जैसा कि आपने कथा के प्रारंभ में आज श्रवण किया कि आज प्रारंभ से पूर्व जिन माता बहन भाई बंधुओं का सहयोग इस आयोजन के लिए हमें प्राप्त हो गया है उनके नाम हमने आपके सामने रखे, और आज से लेकर के 21 तारीख तक ये आयोजन नित्य चलेगा। तो कथा से पूर्व और कथा के विश्राम के बाद में जो भी माता बहन भाई बंधु इस आयोजन में किसी भी प्रकार का तन से मन से धन से सहयोग करना चाहें वो संपर्क करें, और अपनी श्रद्धा अपनी इच्छा से अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करें। किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको नहीं 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 आपको यही सहयोग करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में जो आ जाए कि मुझे केवल 125 चढ़ाना है, मुझे केवल 11 रुपये का सहयोग करना है, या मुझे 11,000 का करना है, या मुझे 1,00,000 का करना है, या मुझे 10,00,000 का करना है, मतलब जैसा भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपके मन में आ जाए वैसा सहयोग करें। तो किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी से। तो आइए भगवान के प्रणाम के साथ हम लोग कीर्तन करेंगे और फिर आज का विश्राम भी लेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। श्रीकृष्णाय वयम् नमः। तो आइए राधे राधे के नाम का हम लोग कीर्तन करेंगे। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो ये देखो ये बांके बिहारी रमण बिहारी श्रीमद् भागवत भगवान हमारे जीवन में तभी आएंगे जब हम किशोरी जू का नामोच्चार के साथ में कीर्तन करेंगे। उसके बाद श्रीमद् भागवत भगवान की आरती होगी और फिर आज प्रथम दिवस की कथा का हम लोग विश्राम करेंगे। राधे राधे राधे
राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे रानी चंदा चकोर है 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 बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, अरे आनंद से कीर्तन करते हुए राधे रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे रानी सागर तरंग है बिहारी, राधे रानी सागर तरंग है बिहारी, राधे रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आनंद लेते हुए ताली सेवा करते हुए गाइए, तो लाडले बिहारी, राधे रानी लाडली तो लाडले बिहारी, राधे रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, राधे रानी मोहिनी तो मोहन बिहारी, राधे रानी मोती तो सीप है बिहारी, राधे रानी मोती तो सीप है बिहारी, राधे रानी वाली तो दीप है बिहारी, राधे रानी बाती तो दीप है बिहारी, राधे रानी मुरली तो स्वर है बिहारी, राधे रानी मुरली स्वर तान है बिहारी, राधे रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधे 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 राधे
राधे राधे रतो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रतो चले आएंगे बिहारी, 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 राधे राधे रतो चले आएंगे, चले आएंगे बिहारी। बोलिए किशोरी श्री राधिका रानी की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे। तो आइए अब हम लोग आरती वहां दे दो, बाबूलाल जी को दे दो और वो कर लेंगे वहीं से। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने
श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती।